दिल्ली के अलीपुर में गुरुवार शाम को हुए अग्निकांड में 11 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को इलाके का दौरा किया और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। अलीपुर पहुंचे सीएम केजरीवाल ने कहा कि पेंट ज्वलनशील पदार्थ होता है। लोगों ने बताया कि आग लगने से फैक्ट्री में रखा केमिकल नालियों में बहने लगा, इस वजह से आसपास की कई दुकानों और घरों में भी आग लग गई। इस घटना में झुलसने से 11 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं। सभी पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। मुआवजे के बारे में जानकारी देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन सभी के परिजनों को दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सर, हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ एक फैक्ट्री में कल रात को आग लग गई। बताया जा रहा है कि वो पेंट की फैक्ट्री थी और आप जानते हैं कि पेंट जो है वो ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो आग लगी तो वो 100 फुट ऊपर तक बहुत भयंकर आग थी और जब वो केमिकल है बाहर निकला तो वो नालियों के जरिए होते हुए आग कई आसपास घरों में और दुकानों में फैल गई। ये आग कैसे लगी उसके कारण का भी पता नहीं चल पाया, उसकी जाँच होगी, लेकिन इस आग में लगभग 11 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोग घायल हुए हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको हर व्यक्ति को के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हर मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और हर इंजर्ड को मेजर इंजरी में 2-2 लाख रुपए और माइनर इंजरी में 20-20 लाख रुपए जाएंगे। इसके अलावा आसपास जो दुकानें और घर जल गए हैं उसका आकलन किया जाएगा नुकसान का और जो भी पॉलिसी है पॉलिसी के हिसाब से उनको सबको मुआवजा दिया जाएगा।